तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंड की एक और नई क्लास में। तो गाइस, इससे पहले हमने ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ा था, ब्रिटिश शासन में कौन कौन से यहाँ पे को कुमाऊं कमिश्नर आए, तो उसी का आज पार्ट टू आपके लिए लेकर आया हूँ। जो बच गए थे उसके बाद के कुमाऊं कमिश्नर, उसको आज हम इस लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे। तो ठीक हो गया, इससे पहले आपने जो इसका पहला पार्ट था उसमें हम ई गार्डनर से लेके लूसिंग गटन करके जो एक कुमाऊं कमिश्नर हुआ करते थे वहां तक चले थे, और आज हम जानेंगे जॉन हैली बैटन के बारे में कि इनके द्वारा यहां पे को क्या क्या कार्य किए गए, इनके जो प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं इनके कार्यों के। ठीक हो गया, तो अब चलते हैं। सबसे पहले इनका जो पहला पॉइंट पड़ता है, जॉन हैली बैटन करके ये यहाँ पे को आए थे 1848 से 1856 के टाइम पे। अब क्या होता है, सबसे पहले जो इनके द्वारा बनाया गया तो वो क्या किया गया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ, और केदारनाथ। अब इन्हें बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो उस समय दान, जो वहाँ को दान दक्षिणा दी जाती थी इन धामों में, तो उसकी जांच के लिए इन्होंने एक दान नामा करके एक वो बनाया कि दान नामा, एक विभाग बनाया, मतलब जो इसमें इसके अंदर जितना भी दान होगा उसकी जो जांच करेगा कि यहाँ पर आखिर दान कितना हुआ है करके। तो ठीक हो गया, तो सबसे पहला मुख्य काम इसका इनका ये रहा जॉन हैली बैटन का। उसके बाद दूसरा कार्य इनके द्वारा किया गया जो वो था राज्य की जो बंजर जमीन हुआ करती थी, जो राज्य की बंजर भूमि हुआ करती थी, उस भूमि को इनके द्वारा सैंपल स्टेट के तौर पे, जो राज्य की बंजर भूमि होती थी उसको जो ब्रिटिश लोग हुआ करते थे इनके टाइम के, उनको फ्री में दिया, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेस उनसे नहीं लिया जाएगा, सैंपल स्टेट के तौर पे कि यहाँ पे को आप आके अपनी खेती वगैरह यहाँ पे को कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो मतलब इन्हें चाय की, जो चाय के बगानों की भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा वो की कि चाय के बगान उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे को लगाए, तो उसी के लिए इन्हें सैंपल स्टेट के तौर पे अपने ब्रिटिश शासक, जो ब्रिटिश वो व्यक्ति हुआ करते थे उनको इन्होंने दिया सैंपल स्टेट। ठीक हो गया होगा, अब इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट कि प्रशिक्षित पटवारियों की भर्ती, मोस्ट इम्पोर्टेंट इस इनका ये पॉइंट बनता है, प्रशिक्षित पटवारियों की भर्ती। तो इससे पहले आपने पढ़ा था ट्रेल के टाइम पे 9 पटवारी बनाए गए थे यहाँ पे को 1819 में। उसके बाद जो प्रशिक्षित पटवारियों की भर्ती कराई गई उत्तराखंड में, तो वो जॉन हैली बैटन के द्वारा करवाई गई यहाँ पे वो। ठीक हो गया, तो इनका एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे को बन जाता है कि उस समय जो शिक्षित होते थे, मतलब जिनको जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, प्रशिक्षित लोग, तो उन लोगों की यहाँ पे उन्होंने भर्ती करवाई पटवारी के अंतर्गत। ठीक हो गया, इसके बाद इनके द्वारा जो मुख्य कार्य किए गए उसमें से एक है आपका दवाखाना। दवाखाना मीन्स हॉस्पिटल, इन्होंने यहाँ पे को अल्मोड़ा के अंतर्गत क्या किया गया, दवाखाने का निर्माण करवाया। ठीक हो गया, तो दवाखाना अगर आपसे पूछता है कि अल्मोड़ा में दवाखाने का निर्माण किसने करवाया, तो वो कौन होंगे, जॉन हैली बैटन। ठीक हो गया, इसकी दो शाखाएं खोली गई, इसकी जो शाखाएं खोली गई वो थी आपकी, एक तो थी आपकी पिथौरागढ़ और दूसरी थी आपकी लोहाघाट। ठीक हो गया, तो एक थी आपकी पिथौरागढ़, एक थी आपकी लोहाघाट। ठीक हो गया, इनके द्वारा ये दो शाखाएं यहाँ पे को बनाई गई दवाखाने की। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट कि उसके बाद 56 का टाइम आ गया था, कुछ समय का कार्यकाल था, इसके बाद ये चले जाते हैं यहाँ से। उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद कौन आए, कौन से कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पे को आए। तो जो कुमाऊं कमिश्नर यहाँ पे को आएंगे मुख्य तौर पर बहुत अहम भूमिका यहाँ पे को निभाएंगे, क्योंकि जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ता है उन्होंने इनका इन कमिश्नर का नाम बार बार सुना होगा अपने पेपर में। ठीक हो गया, तो वो है सबसे पहले आपका, उनके बारे में बताना चाहूँगा, वो थे आपके हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक ट्रेल और हेनरी रैमजे ये मुख्य भूमिका निभाते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इनके आयोग इनके द्वारा इनमें से पूछता है। तो हेनरी रैमजे, तो इनका जो कार्यकाल था सबसे पहले तो 1856 से लेके 84,
1884 तक इनका कार्यकाल रहा है यहाँ पे, वो ठीक हो गया। अब इस पर एक पॉइंट ऑलरेडी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, 57 में वो हुआ था तो 56 से लेके ये 57 हेनरी रैमजे। अब मैंने आपको पहले वाले पार्ट में ये बात बताई थी कि आप इनकी डेट याद कर लीजिएगा, इनके समय में जो भी इनके कार्यकाल में जो भी घटनाएं होंगी वहाँ, तो इंडिया के इंडियन हिस्ट्री में, तो अगर आपसे पूछता है कि उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, तो आप इनकी डेट से यहाँ पे को पता लगा सकते हैं कि ये हो सकता है करके, ठीक हो गया, एक अंदाज़ा आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं कि इनके द्वारा, सबसे पहले तो ये देखेंगे इनके बारे में सामान्य परिचय यहाँ पे को लेते हैं कि ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, सबसे पहले तो स्कॉटलैंड के निवासी हो जाएंगे, निवासी तो स्कॉटलैंड के निवासी थे जो लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे, उसके चचेरे भाई थे, ठीक हो गया, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। तीसरा आपका बन जाता है इनके लिए कि ये जो लूसिंगटन करके हुआ करते थे, इनके पहले कुमाऊं कमिश्नर, उनके ये दामाद थे, ठीक हो गया। अब देखते हैं, सबसे पहले तो ये स्कॉटलैंड के निवासी हेनरी रैमजे, उसके बाद ये लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई, और उसके बाद लूसिंगटन के दामाद, ठीक हो गया गाइस। तो यहाँ तक की जानकारी तो आप समझ चुके होंगे कि लूसिंगटन के दामाद। अब देखते हैं इनके द्वारा यहाँ पे को क्या क्या कार्य किए गए, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका, इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए यहाँ पे को अस्पताल चिकित्सालय की स्थापना की थी, ठीक हो गया, कुष्ठ रोगियों के चिकित्सालय की स्थापना हेनरी रैमजे द्वारा की गई थी उत्तराखंड के अंतर्गत। अब ठीक हो गया, अब क्या हुआ था, तराई का जो क्षेत्र है ये वाला, भाबर और तराई में आप डिफरेंस समझते होंगे, तो तराई के क्षेत्र में इनके द्वारा सड़क, पुल और नहरों का निर्माण किया गया था, ठीक हो गया। अब तो सड़क नहरें इन्होंने यहाँ पे को बनाई, सिंचाई के लिए भी वो नहर यहाँ पे को तराई क्षेत्र में काफी उपयोगी सिद्ध हुई, जिस कारण इन्हें उत्तराखंड में विकास के लिए, जो तराई के विकास के लिए इन्हें यहाँ का पीडब्ल्यूडी ऑफिसर और विश्वकर्मा, तराई का विश्वकर्मा, तो तराई का विश्वकर्मा इन्हें माना जाता है, तो ठीक हो गया। अगर आपसे पूछते हैं तो पीडब्ल्यूडी ऑफिसर की संज्ञा कौन से कुमाऊं कमिश्नर को दी गई है, या तराई का विश्वकर्मा किसे कहा गया है, तो कौन हो जाएगा, हेनरी रैमजे, ठीक हो गया। अब देखते हैं इनके द्वारा जो सब इनके इनके टाइम पे क्या हुआ था, 1867 में नैनीताल में पहली बार भूस्खलन हुआ था, ठीक हो गया, नैनीताल में क्या होगा, 1867 में पहली बार भूस्खलन, ठीक हो गया। अब पहली बार भूस्खलन 1867 में हुआ था, लेकिन उससे बड़ा भूस्खलन जो इनके द्वारा इनके कार्यकाल के समय में हुआ था 1880 में, नैनीताल में जो भूस्खलन हुआ था दूसरी बार, वो इस वाले भूस्खलन से भी ज़्यादा उसमें तबाही हुई थी नैनीताल की भूमि में, ठीक हो गया, जिसमें कई लोग मारे गए थे उस भूस्खलन के अंतर्गत। उसको समझते हुए इनके द्वारा नैनीताल के अंतर्गत नालियों का निर्माण किया गया। अब क्या हुआ था, सिंपल सी बात है, काफ़ी सारा भूस्खलन हुआ, जो नैनीताल की झील का पानी है वो क्या करता था, अगल बगल के इलाकों में फैल जाता था, उसके फैलने के कारण आप ये सब उसकी गहराई को समझे, तो उसको समझने के बाद इन्होंने वहाँ पर नाली का निर्माण किया, जिससे जो एक्स्ट्रा बरसात का पानी है वो नालियों के द्वारा नैनीताल की जो एरिया है उस एरिया से बाहर चले जाए, ठीक हो गया। तो यहाँ तक के पॉइंट उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं इनके कुछ और कार्य, पीडब्ल्यूडी ऑफिसर अगर आपसे पूछता है तराई का, तो वो कौन हो जाएंगे, हेनरी रैमजे। अब देखते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट कि सबसे महत्वपूर्ण जो इनके कार्यकाल के दौरान यहाँ पे बहुत सारे स्कूल खोले गए, यानी कि विद्यालय इनके टाइम पे जो खोले गए, तो
उन विद्यालयों में सबसे पहला जो विद्यालय था महत्वपूर्ण, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकता है, वो था शेरवुड। ठीक हो गया, तो शेरवुड स्कूल इनके द्वारा जो खोला गया वो खोला गया था 1867 में। ठीक हो गया पहला। और दूसरा खोला गया था सेंट मैरी, जो कब खोला गया आपका 1878 में। दूसरा जो तीसरा इनके टाइम कार्यकाल में हुआ था वो वेलेंजली स्कूल, तो वो कब खोला गया था आपका 1884 में। उसके बाद जो चौथा स्कूल इनके कार्यकाल में खोला गया जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो चौथा स्कूल था आपका ऑल सैंड स्कूल। ठीक हो गया, उसकी जो डेट थी वो थी आपकी 1869 में। ठीक हो गया, तो इतने पॉइंट आप समझ चुके हो। अगर आपसे पूछता है परीक्षा में कि शेरवुड स्कूल की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई, तो कौन हो जाएंगे, हेनरी रैमजे, वैसी सेंट मैरी, वेलेंजली और ऑल सैंड स्कूल। अब इनके डेटे ये हैं, इसके इन टाइमों में खोला गया था। ऑलरेडी आए द्वारा ऐसे क्वेश्चन कुछ देखने को मिल जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक हो गया, अब ये तो विद्यालय की बात होगी। उसके बाद क्या हुआ था इनके शासनकाल में, तो एक पॉइंट और है इनका कि 1868 के टाइम पे, 1868 के समय में ये कुमाऊं के कमिश्नर तो थे ही थे, साथ ही ये वन संरक्षक भी थे। तो वन संरक्षक भी इन्हें यहाँ पे बनाया गया था, उनका उसका कार्यभार भी यही संभालते वन संरक्षक का। कब, 1868 तक। ठीक हो गया, 1868 तक ये वन संरक्षक भी यहाँ पे को नियुक्त रहेंगे अपने इसके कार्यकाल के दौरान। अब देखते हैं कि वनों जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इनका है जो 1857 की क्रांति, इसको देखते हैं यहाँ पे। 1857 की जो क्रांति हुई थी, अगर आपसे डायरेक्ट हीट क्वेश्चन ये पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, तो कौन हो जाएंगे, हेनरी रैमजे। ठीक हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, 1857 की जब क्रांति हुई थी तो एक ही कुशल शासक यहाँ पे को हुआ करते थे, तो इनका क्या था कि यहाँ पे को इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि क्या हुआ था उस टाइम पे गोरखा में किसान संधि हो गई थी। इनके टाइम, इनके कार्यकाल के समय में क्या हुआ था, इनने काफ़ी सारे गोरखा सैनिक, ब्रिटिश जो उनकी रेजिमेंट होती है, तो ब्रिटिश रेजिमेंट में काफ़ी सारे गोरखा सैनिक इन्होंने डाल दिए थे, तो उससे क्या हुआ था कि यहाँ पे को उसका ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि कुमाऊं की सीधी साधी जनता थी और ये 1857 की क्रांति हुई, तो उस टाइम पे इसका कोई ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे को देखने को नहीं मिला। ठीक हो गया, 1857 की क्रांति के बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके इनके कार्यकाल में बनता है कि 1858 में इन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो वनों का कटान उस टाइम पे होता था, उसकी वनों के कटान के लिए जो ठेकेदारी प्रथा होती थी, जो ठेके लिए जाते थे वनों को काटने के लिए, जो ठेकेदार हुआ करते थे उस टाइम के, ठेकेदारी प्रथा, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। समाप्त, तो ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किसने किया अगर पूछता है आपसे, तो हेनरी रैमजे ने। ठीक हो गया, अब ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे कि ठेकेदारी प्रथा। अब देखते हैं कि अब क्या हुआ था कि इनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने जो उस टाइम के पेड़ हुआ करते थे, जो लोकल एरिया में आ जाते थे, मान लीजिए कि वहाँ से सड़क बननी है, सड़क के बीच में कोई पेड़ आ जाएगा, तो उन्होंने उन पेड़ों में चिन्ह लगा दिए थे, क्रॉस का साइन उन्होंने लगा दिया था कि ताकि ये पेड़ को हम काट सकें। ठीक हो गया, तो चिन्हों का प्रयोग करने वाला अगर शासक आपसे पूछता है, मतलब कुमाऊं कमिश्नर आपसे पूछता है, तो वो भी कौन होंगे आपके, हेनरी रैमजे। अब ठीक हो गया, अब ये तो रही हेनरी रैमजे की सारी महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई थी उनके कार्यकाल के दौरान, वो आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पे को। तो विश्वकर्मा पीडब्ल्यूडी ऑफिसर इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका वो बनता है कि किसे कहा जाता है, तो रामजी नाम से भी इन्हें जाता है। रामनगर की इन्होंने स्थापना करी थी 1850 में। एक पॉइंट ये भी लिख लो, 1850 में क्या किया था इन्होंने, रामनगर की स्थापना की थी, इनके द्वारा की गई थी। अब 1850 का कार्यकाल, तो ये आप सोच रहे होंगे कि 1856 से 84 के बीच में था, 50 में कैसे होगी, क्या होता है उससे पहले भी यहाँ पे को ये थे, सैन्य सलाहकार के तौर पे यहाँ पे को कार्य करते थे यहाँ पे। ठीक हो गया, उसके बाद ही कुमाऊं कमिश्नर बने 56 में। तो ये इनके कार्यकाल की जानकारी यहाँ पे को हो चुकी है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो और कुमाऊं कमिश्नर आए इसके बाद, 1857 की क्रांति उनके बाद क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जा चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे को चली गई, तो अब किसके पूरा शासन किसके हाथों में आ गया था, आप सभी को पता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में इनका वो सारा प्रबंध आ गया था पूरे भारत का। तो अब क्या होगा कि 1857 के बाद जो क्रांति होने के बाद इनका कार्यकाल 84 तक चला, कुमाऊं कमिश्नर तो यही थे उस टाइम पे भी। अब 1884 के बाद जो भी आएंगे
उनके द्वारा छोटे छोटे कार्य किए जाएंगे, वो आपको मैं एक लाइन में समझा देता हूँ कि वो कौन कौन से यहाँ पे वो कुमाऊँ कमिश्नर थे। अब उनकी जो डेटे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे कि उनका कार्यकाल किस समय से किस समय तक था। उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे वो ज़्यादा आपके इंपोर्टेंट तो बनते नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई यूपीएससी का मेंस लिखना हो यहाँ पे या उसका मेंस लिखना हो कि उसके टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको करा चुका हूँ पहले पार्ट में और सेकंड पार्ट में, रेमजे तक के जितने महत्वपूर्ण थे वो हो चुके हैं। उसके बाद के जो आएंगे उनके डेटे मैं आपको बता दूंगा कि वो कब आए थे, उन्होंने उनके द्वारा क्या कार्य किए गए, और उनकी डेट से आपको ये अंदाजा एक मिल जाएगा कि उस टाइम पे मान लो भारत में कोई घटना हुई थी उस समय कुमाऊँ का गवर्नर जनरल आपसे पूछता है तो आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक हो गया, अब देखते हैं इसके बाद कि वहाँ पे वो क्या क्या हुए थे, हेनरी रेमजे के बाद यहाँ पे वो कौन कौन से हुए थे। ठीक हो गया, तो रेमजे तक तो आप समझ चुके हैं, रेमजे तक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके यहाँ पे को बनते हैं। अब रेमजे के बाद जो यहाँ पे कुमाऊँ कमिश्नर आए उनके बारे में यहाँ पे को हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा। अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पे को आपको पूरा एक लिस्ट बना दी है कि उसके बाद कौन कौन से आए थे। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारी जो हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, उनके ऐसा ना हो कि उनको कहीं और से भी ये सोर्सेज लेने पड़े, तो मैंने यहाँ पे को सारे के सारे लिख के अब छोटे छोटे इनके बारे में बता देता हूँ। अब जो फिशर आए थे इसके बाद, फिशर का जो कार्यकाल रहा वो 1884 से लेके 85 के मध्य में रहा था। उसके बाद एच जी रॉस करके वो आए थे कुमाऊँ कमिश्नर, 85 से लेके 87 के बीच में आए थे। जे आर ग्रेग 1888 से लेके 89 तक, और उसके बाद अर्स्किन ये 1889 से लेके 92, रॉबर्ट्स ये आए थे आपके 1892 से 94, उसके बाद ग्रीस करके आते हैं जो 1894 से 98, उसके बाद हेम्बलिन ये थे आपके 1898 से लेके 1902। ठीक हो गया, तो उसके बाद शेक्सपियर करके एक आते हैं डब्ल्यू शेक्सपियर 1903 से लेके 1905, उसके बाद कैमवेल 1906 से लेके 1944, उसके बाद पर्सी विडम ये 1914 से लेके 24 के टाइम तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद स्टम्स इसके बाद 1925 से लेके 31 तक, स्टप्स 1931 से लेके 33 तक, उसके बाद गोयन करके एक और दूसरा आता है, वो वाले गोयन नहीं जो इससे पहले बताए थे, उसके बाद एक और गोयन आते हैं, तो 1933 से लेके 35 तक, और इबटसन 1935 से लेके 39 तक। अब उसके बाद इसको ख़त्म कर लेते हैं, पहले फिर समझाते हैं। तो विवियन करके जो हुए थे वो थे 1939 से लेके 41 तक, एक्टन जो थे आपके 1941 से लेके 43 तक, उसके बाद डब्ल्यू फिनले करके जो आते हैं ये भारत की जो स्वतंत्रता होती है उस टाइम में, भारत देश हमारा आज़ाद होता है उस टाइम के ये हैं 1943 से लेके 47, उसके बाद यहाँ पे को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद ये हिंदू जो हैं इंडियन जो हैं यहाँ पे को के एल मेहता करके जो इंडियन कुमाऊँ कमिश्नर रहते हैं 48 से लेके 47 से लेके 48 तक, इसके ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब क्या है, हालांकि इनमें से इतने महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं बनते हैं, आपको ये चीज़ें नहीं करवाई जाएंगी, मैं मानता हूँ। आप जो सोच रहे होंगे कि ये क्या डाल दिया सर ने, ये क्या है मतलब इतना ज़्यादा, ये कैसे याद होगा, इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है पहली चीज़। अब देखेंगे हम इसको, मैंने यहाँ पर कराया क्यों है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए आप लोगों का। अब क्या है कि जो फिशर ये जो इनके नाम दिए गए हैं और इनके जो कार्यकाल का टाइम पीरियड है, अगर मान लीजिए इंडियन जो हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे यहाँ पे कोई इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जब आपके डेटे आएंगे, समझ रहे हैं आप, तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर जब आपके डेटे आएंगे कि इस टाइम पे मान लीजिए कोई घटना हुई थी 1847 में देश आज़ाद हो गया था, उससे पहले की जो घटना थी 1902 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ, उसके टाइम पे कुमाऊँ का कमिश्नर कौन था, ऐसे कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको चले, जैसे इससे पहले मैंने आपको 1857 की क्रांति के टाइम पे का बताया था, तो वो आप लोग यहाँ पे वो रिलेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ तो ये होगी, अब इसको याद कैसे किया जाए। ठीक हो गया, अब आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री में जब मान लीजिए आप मान लो बंगाल विभाजन पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया, अब बंगाल विभाजन हो रहा है या कांग्रेस की स्थापना हो रही है या कोई भी ऐसे कुछ प्रश्न है, तो जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत क्या करिएगा, इन सभी के जो डेटे होंगे उस टाइम पे जो घटनाएं होंगी उनके कार्यकाल के दौरान इन लोगों के वहाँ पे कोई नाम लिख लीजिएगा कि उस टाइम पे कुमाऊँ का कमिश्नर ये था। मेरा मानना ये है कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि इतिहास जब आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को उत्तराखंड के साथ रिलेट करते हुए पढ़िएगा। ठीक हो गया, उस रिलेट से क्या होगा, आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेंगे, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, मतलब इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो आपका इसमें छूट जाएगा। ठीक हो गया, तो मैं आप समझ चुके होंगे कि मैंने यहाँ पे को क्यों लिखा है। ठीक हो गया, अब ये तो रही इनकी बात,
आप ये कुमाऊं का ये ब्रिटिश शासन यहाँ पे आप समाप्त हो चुका है। अब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जितने भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आपको करा चुका हूँ। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है, इसके बाद इसके एक एमसीक्यू सीरीज जो मैं आपको क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि 1885 के टाइम पे जब वहाँ पे वो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन चाहिए होंगे तो फिर मैं वो भी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में वो बना दूंगा। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप सभी को मेरी दी हुई जानकारी सारी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।